आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, 6 पाक सैनिक और 3 आतंकवादी मारे गए। कैफे कॉफी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ का शव मिला, सिद्धार्थ कर्जदाताओं के दबाव में थे परेशान। दंतेवाड़ा में एक जवान शहीद, सुकमा में नक्सलवादियों ने की एक ग्रामीण की हत्या। टाइगर स्टेट बनते ही एक टाइगर की मौत, टाइगर बढ़ने पर हुई सियासत तेज। और 24 घंटे से पत्थरों में दबे शख्स को सीआरपीएफ ने रेस्क्यू कर बचाया, रेस्क्यू का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना ने सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, 6 पाक सैनिक और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में पुलवामा के को मास्टर माइंड फयाज पंजू को भी मार गिराया है, यह अनंतनाग में 12 जून को सीआरपीएफ पर हमले में शामिल था। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की, कई जगहों पर मोर्टार से हमला किया। अखनूर और सुंदरवनी में पाकिस्तान फौज ने अंधाधुंध गोले बरसाए। सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया और 6 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान मंगलवार सुबह से ही सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, पाकिस्तान की फायरिंग बंद नहीं हो रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया। अखनूर और गुरेज में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों के मारे जाने की सूचना है, वहीं घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी भी मारे गए। इसके अलावा सीमा पर पाकिस्तान की 2 चौकियां तबाह होने के बाद कई सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं। दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हुए भारतीय सेना के नायक कृष्ण लाल भी शहीद हो गए हैं। देर रात तक उत्तरी कश्मीर के गुरेज, टंगडार, करनाहा और उड़ी में दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी रही, उसमें से 2 नागरिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर में भारतीय ठिकानों पर तोपखाने का भी इस्तेमाल किया है। कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव बुधवार को नेत्रावती नदी के किनारे मिल गया है। सिद्धार्थ देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन के संस्थापक और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद भी थे। वे सोमवार रात से लापता थे। गायब होने से पहले सिद्धार्थ ने कथित तौर पर एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कर्जदाताओं का दबाव होने की वजह से ऐसा कदम उठाने की बात कही थी। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने बताया, हमें शव आज सुबह मिला है। बीजी सिद्धार्थ के लापता होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें खोजने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। उनके ड्राइवर और मछुआरे के बयान के बाद पुलिस की जांच पूरी तरह से नदी में खोजने पर केंद्रित हो गई थी। उन्हें खोजने के लिए एनडीआरएफ, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड सहित अन्य अमला उनकी खोज के लिए पुल के नीचे नेत्रावती नदी में पानी में तलाश रहा था। सिद्धार्थ सोमवार दोपहर को बेंगलुरु से सकलेशपुर के लिए निकले थे, लेकिन अचानक उन्होंने नेत्रावती नदी के पुल पर ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर को आगे रुककर इंतजार करने को कहा था, इसके बाद वे वापस नहीं लौटे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गया, वहीं सुकमा में नक्सलवादियों ने एक ग्रामीण का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। नक्सली इस समय जंगलों में शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। दंतेवाड़ा के बोदली थाना क्षेत्र में से सर्चिंग करके लौट रहे सीआरपीएफ की 195 बटालियन के एक जवान का पैर प्रेशर बम पर पड़ गया, जिससे विस्फोट में जवान की जान चली गई। शहीद जवान रोशन कुमार नवादा बिहार के निवासी थे। आला अधिकारियों ने परिवार को सूचित कर दिया है। वहीं घटना स्थल पर सुरक्षा कड़ी करके सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी घटना सुकमा की है। ग्राम मरकागुड़ा निवासी बंजाम हिडमा को नक्सलियों ने करीब
करीब हफ्ते भर पहले अगवा कर लिया था। उसका शव चिंतलनार के पास मुकर्रम मार्ग पर मिला है। नक्सलियों ने गला रेत कर बंजाम हिड़मा की हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस की मुखबरी के संदेह में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नक्सली इन दिनों शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, लेकिन नक्सल इलाकों में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल शहीद सप्ताह के दौरान ही नक्सलियों को मात देने में सफल हो रही है। सोमवार को शहीदी सप्ताह के दूसरे दिन पुलिस ने दो नक्सलियों के मारने में सफलता हासिल की थी, जिसमें अब नक्सली बौखला गए हैं और मुखबरी के शक में ग्रामीणों को मारकर दहशत फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बने 3 दिन ही हुए थे कि एक युवा बाघ की मौत हो गई। उमरिया जिले के पहाड़िया के पास मझगवा नर्सरी में एक बाघ का शव मिला। वन विभाग का कहना है कि बाघ की लड़ाई से इसकी मौत हुई है। उमरिया जिले के रेगुलर फॉरेस्ट के घुनघुटी रेंज में एक बाघ की मौत हो गई। पहाड़िया के पास मझगवा नर्सरी में उसका शव मिला। एसडीओ राहुल मिश्रा ने बताया है कि बड़े बाघ की हमले में उसकी जान चली गई। एक बाघ 1 से 1.25 साल का बताया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। पिछले 4 साल में मध्य प्रदेश में 218 बाघों की बढ़ोतरी के साथ ही इनकी संख्या 526 बताई गई थी और प्रदेश ने टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया है। पिछले 2 गणना में सबसे ज्यादा टाइगर वाले कर्नाटक में इस बार 2 बाघ कम मिले और बाघों की गिनती में वह दूसरे नंबर पर रहा था। उस हिसाब से अब हम कर्नाटक से सिर्फ 1 बाघ ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 2008 से टाइगर बचाने का अभियान शुरू हुआ और अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया, लेकिन इस पर भी सियासत गर्म हो गई है। वर्ल्ड टाइगर डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ गणना के आंकड़े जारी किए और मध्य प्रदेश को उसका खोया हुआ टाइगर स्टेट का दर्जा वापस मिला। मध्य प्रदेश 526 टाइगर के साथ टाइगर स्टेट बना। पूर्व वन मंत्री कमल पटेल ने कहा कि वन विभाग का हर कर्मचारी और अधिकारी इसके लिए प्रशंसा का पात्र है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जो निर्धारित किया था वो हमने पा लिया है। पंचायत राज मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा जंगल कटे हैं और वृक्षारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। पटेल ने कहा कि पूर्व अधिकारी थे, उनकी मेहनत को भी बधाई जिन्होंने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाने में मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा अगर अव्यवस्थाएं रही है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा जंगल भी कटे हैं, वृक्षारोपण के नाम पे भ्रष्टाचार भी हुआ है। सच तो बात ये हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ कह लीजिए, वरिष्ठ के साथ साथ कनिष्ठ भी अधिकारी कर्मचारी जो जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रखते हैं और उनकी सजगता और उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत की वजह से आज ये सम्मान हासिल हो पाया है, तो हम उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा चरित्र हमारी सरकार, हमारी पार्टी का नहीं है। सरकारें कोई भी हो पर योगदान सबका कहीं ना कहीं होता है, तो इस तरह से एकदम से नकारा भी नहीं जा सकता है। ये नकारने वाला काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, हमारी पार्टी हमारी सरकार में इस तरह की परंपरा नहीं। सरदार सरोवर के डूब प्रभावित लोगों ने पूर्ण पुनर्वास नहीं होने तक सरदार सरोवर में पानी भरे जाने का विरोध किया और रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकारों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले जिला मुख्यालय पर हजारों डूब प्रभावितों ने रैली निकाली। ये सभी पूर्ण पुनर्वास होने तक सरदार सरोवर में पानी भरे जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश की कई परियोजनाओं व गुजरात महाराष्ट्र के डूब प्रभावित भी इस रैली में शामिल हुए। देश के पर्यावरणवादियों ने भी रैली में भाग लिया। गुजरात के पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रवीण जडेजा, चिन्मय मिश्र और डॉक्टर सुनीलम मेधा पाटकर सहित कई आंदोलनकारी ने इस दौरान अपनी बात रखी। बड़वानी में पुराने कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि सरदार सरोवर में पानी भरने पर आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, प्रदेश को पर्यटन हब बनाया जाएगा। एनपी प्रजापति ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर को खेल के लिए अच्छी सुविधा मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे। नरसिंहपुर जिले को न केवल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि हॉकी और वॉलीबॉल प्लेयर भी नरसिंहपुर की माटी से निकलेंगे। मध्य प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान और करीब 10 करोड़ की लागत से वॉलीबॉल खेल का मैदान बनाया गया है। साथ ही 100 करोड़ की लागत से जिले का विकास किया जाएगा। नरसिंहपुर के लिए यह सौगात मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने दी है, जिसे लेकर नरसिंहपुर जिले के विभिन्न संगठनों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार प्रकट करते हुए उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया। एस्ट्रो टर्फ हॉकी खिलाड़ियों की ड्रीम है, मैं भी खिलाड़ी हॉकी का था, ये मेरी ड्रीम है कि यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तभी आ सकते हैं जब एस्ट्रो टर्फ उपलब्ध हो। मैं भी जानता हूँ कि शहर के लोग अच्छी खेल भावना के हैं और अच्छा खेल देखने चाहते हैं, उसी के तहत एस्ट्रोटर्फ, उसी के तहत वॉलीबॉल अकादमी और उस पूरे क्षेत्र को एक खेलकूद का मैदान है, मन में है, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। पर्यटन क्षेत्र विकास करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि वह भी स्टूडेंट लाइफ में हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। नरसिंहपुर से जब सुविधाओं के अभाव में भी नेशनल स्तर के प्लेयर निकलते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे यहां से निकले खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को लेकर भी अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश पर्यटन हब बनेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों और निर्माण कंपनी की मिली भगत के चलते 7 महीने पहले बनकर तैयार हुए भोपाल के सिंगारचौली फ्लाईओवर ब्रिज की हालत पहली बारिश में ही जर्जर सी हो गई है। लाल घाटी से एयरपोर्ट जाने वाले लेन के हिस्से में फ्लाईओवर की सड़क धंसने लगी है। ब्रिज में पानी के कारण सीट ने मटीरियल को छोड़ दिया है, जिससे इसकी प्रिकॉस्टेड वॉल फट गई है। बीते 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते सिंगारचौली ब्रिज पर पानी भर गया था। ब्रिज के नीचे सर्विस लेन भी पानी में डूब रही है। रहवासियों ने जब ब्रिज के आसपास पड़ताल की तो ब्रिज के कई हिस्सों में पानी का रिसाव मिला। लोगों ने देखा कि ब्रिज की प्रिकॉस्टेड वॉल टूटने की कगार पर पहुंच गई है। तब इसकी जानकारी NHAI के अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने ब्रिज के तत्काल यातायात बंद करवाया। बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने यह कदम उठाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद ब्रिज के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया गया, इससे अब लोगों की जान पर बनाई है। ब्रिज निर्माण की घटिया गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गीला होने के बाद सीमेंट व मटेरियल हाथ लगाने से झड़ रहा है। यही कारण है कि पत्थर की सिल्लियों के जोड़ सिर्फ 2 दिनों की
भारी बारिश में ही ढीले हो गए। ब्रिज निर्माण में लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेस के मटेरियल को सेट करने के लिए लोहे की जिन सेटिंग को लगाया गया था उन्हें अब तक नहीं निकाला गया है। ब्रिज के नीचे निकलने वाले रास्ते से ठीक ऊपर यह सेटिंग लगी हुई थी। लेक पर्ल गार्डन से एयरपोर्ट की ओर ब्रिज का हिस्सा कई जगह से टूटा दिखाई दिया है। ब्रिज के दोनों ही ओर की दीवारों के टुकड़े गिर गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर बने इस फ्लाईओवर से रोजाना करीब 1,00,000 वाहन गुजरते हैं। इसके आसपास 20 कॉलोनियों में 1,50,000 से अधिक लोग भी रहते हैं। बड़वानी के पानसेमर इलाके में एक तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। यह तेंदुआ इससे पहले भी एक बच्ची की जान ले चुका है और कई ग्रामीणों को घायल कर चुका है। इलाके में इस तेंदुए का काफी आतंक है। पानसेमर इलाके में तेंदुए का आतंक जारी है। अब ग्राम जूनापाली में तेंदुए ने एक ग्रामीण को घायल कर दिया है। इस हमले में तेंदुए ने ग्रामीण को सिर में नाखून गड़ा दिए। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले यह तेंदुए एक किशोरी की जान ले चुका है और एक महिला और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर चुका है। इस मामले में वन विभाग ने भोपाल मुख्यालय से तेंदुए को आदमखोर घोषित कर गोली मारने की अनुमति मांगी है। धार के कुछी में पुलिस ने चोरों के एक गिरोह को पकड़ा है। इस गैंग के पास से 4.5 किलो चांदी और 50 मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं। कुछ ही के बाद थाना पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 28 लाख के चोरी के सामान सहित 7 आरोपियों को थर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 4.5 किलो चांदी के जेवरात, 50 बाइक और 2 पिस्तल सहित अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों ने बाग थाना क्षेत्र में लूट, डकैती, चोरी की कई वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस गिरोह के बाकी फरार सदस्यों को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस को इनसे कई और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। आज धार में क्राइम ब्रांच धार और SDOP कुक्षी की टीम, जिसमें थाना बाग की टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए एक लूट और चोरी का गैंग फेस किया है, जिसमें अभी 7 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इसमें 4 लूट जो थाना बाग क्षेत्र की हैं उसमें मशरूका रिकवर हुआ है, जिसमें 4.5 किलो चांदी है और इन लोगों से 2 हथियार भी जब्त हुए हैं। उसके अलावा 50 मोटरसाइकिल विभिन्न चोरियों में जो देवास, इंदौर, बड़वानी और धार की थी उन्हें रिकवर किया गया। जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में एक मकान में अनैतिक काम होने की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में कुछ युवक युवतियों को पकड़ लिया है। गौरीघाट थाना अंतर्गत वर्मन मोहल्ले के एक घर में अनैतिक कार्य होने की जानकारी लगने के बाद विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस मामले की जानकारी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गौरीघाट एक पवित्र स्थल है, जहाँ अनैतिक कार्य होने की जानकारी कई दिनों से उन्हें मिल रही थी। वर्मन मोहल्ले में चकला चल रहा है, बहुत समय से, लंबे समय से ये चकला चल रहा है और जब इसकी सूचना मिली तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नर्मदा प्रखंड के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। इसके बाद जब हमने ग्वारीघाट थाने को सूचना दी, जैसे तैसे पुलिस समय आई है वहाँ पे, मुझे अंदर बुला के बोलती है कि ये गाली दे रहा था क्या? तो उन लोगों ने बोला हाँ ये गाली दे रहा था, चलो इसके ऊपर मामला बनाओ। इस टाइप की बातें प्रशासन के द्वारा हुई, जिसको देखते हुए मैंने SP साहब को फ़ोन किया। SP साहब को फ़ोन कर इस पूरे वारदात से अवगत करवाया, लेकिन कार्रवाई अभी भी संतोषपूर्ण नहीं हो रही है। इस जानकारी के चलते जब वह लोग मौके पर पहुंचे तो एक घर में कुछ युवक और युवतियों को संदिग्ध हालत में पाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस दौरान एक युवक ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद कुछ युवतियों और युवकों को पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आज कुछ लोग ग्वारीघाट थाने आए थे और उनके द्वारा जो है किसी महिला के द्वारा अनैतिक काम करने की सूचना दी गई थी। उनसे आवेदन लिया गया है जांच पर और जांच के आधार पर जो भी जांच में आएगा उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है और कई जगह पुल पर पानी आने से जाम के हालात बन जाते हैं। बैतूल में भी धार नदी का पानी पुल पर आने से जाम लग गया है।
एमपी में लगातार हो रही बारिश से नदी और नालों में पानी बढ़ गया है। बैतूल में भी धार नदी उफान पर है। तेज बारिश के बाद नदी का पानी पुल पर आने से बार बार जाम की स्थिति बन रही है, जिस कारण बैतूल भोपाल मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा है। बैतूल से भोपाल जाने वाली दो एम्बुलेंस भी इस दौरान मरीज को लेकर वापस बैतूल लौट गई। आज का वीडियो वायरल हैरान करने वाला है। श्रीनगर हाईवे पे मलबे में दबा शख्स जिंदा मिला। सीआरपीएफ ने रेस्क्यू कर इस दबे हुए शख्स को निकाला और अस्पताल भिजवाया। सोशल मीडिया में सीआरपीएफ के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इन दिनों लगातार बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे के अलावा कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं और इस वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। लेकिन मंगलवार रात इस हाईवे पर हुए भूस्खलन ने न केवल रास्ता बंद हो गया बल्कि एक शख्स भी इसकी चपेट में आ गया। बुधवार को जब सीआरपीएफ की डॉग स्क्वाड यहाँ का मुआयना करने पहुंची तो ऐसा कुछ हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर डॉग स्क्वाड के साथ आए डॉगी ने मलबे के नीचे कुछ होने की तरफ इशारा किया। इसके बाद सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन के सदस्यों ने मलबे को हटाने का काम किया। देखते ही देखते मलबे के नीचे से एक शख्स नजर आने लगा और वो जिंदा होने के साथ ही होशोहवास में भी था। उसे जिंदा देख स्क्वाड के सदस्यों ने तुरंत उसके आसपास का मलबा हटाया और उसे किसी भी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।